हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ जी टी ए वाइस सिटी। और हम लोग वापस आ चुके हैं मिस्टर हुआन कोर्टेज के पास, क्योंकि इस वक्त यही एक अवेलेबल मिशन है हमारे पास। और लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने एवरी के लिए दो मिशन किए थे, और बीच में हमारे पास कॉल भी आई थी हुआन की कि भाई कुछ बातचीत करनी है। तो हमने गोंजालेस को मारा था और अब नेक्स्ट हम दोबारा आए हैं। Tommy, come join me. ये क्या खा रहा है? This looks delicious, eh? तपीर? Your snout. Oh. No, thanks. Tommy, you are like a pompous breeze that has freed me from the stench of corruption. Although I must appear to mourn his passing and carry on with business as usual. This isn't getting me any closer to my money. Tommy, my friend, you are not in liberty now. Here, we do things differently. I will continue with my inquiries, but in the meantime, I have a valuable deal to close. A favor for a friend, Cortez? You're a good friend, Tommy. I knew you would not let me down. I need you to meet a courier who has obtained some valuable technology for me. Okay. तो अब कर्नल को एक मजीद फेवर चाहिए इससे पहले कि वो हमारी कोई और हेल्प करे। और लास्ट मिशन में जैसे मैं बता रहा था कि हमने गोंजालेस को मारा था, इसके बारे में हमें ये पता चला था कि गोंजालेस वो बंदा था जिसने हमारी डील के बारे में इंफॉर्मेशन लीक की थी और उसकी वजह से हमारी डील पे हमला हुआ। पर बहरहाल वो तो एक छोटा सा स्टेप था, उसको सज़ा दे दी गई, मार दिया गया उसे। बट असली बंदे जो उस डील पर हमला करवाने के पीछे थे वह उन तक हम नहीं पहुंच सके। बहरहाल अपने जो करंट मिशन है इस पर फोकस करते हैं। ये गाड़ी मैं यहाँ पे पार्क अक्सर करता होता हूँ कि जब कोरियर का पीछा करना होता है तो ये गाड़ी फिर काम आती है। Please, I'm pay this American pig that is propriétaire de the gouvernement français. Hand it over, you American idiot. They followed you here. Okay, हमें किसी ने फॉलो नहीं किया भाई, छोटा इल्जाम मत लगाओ। ओके, तो ये जितने भी कोवर्ट कमांडोज वगैरह हैं इनको खलीबली कराते हैं। और हमारा कोरियर किधर है भाई? कोरियर कहाँ है? हैं? कोरियर अंदर ही है? ये क्या बात हुई? ओके सॉरी, मुझे गन चाहिए। अबे गन निकाल ले साले। अबे क्या ये? I need the money. नाइस। ओके तो कोरियर साहब ने जो जंप लगाई वो पूल में जाके फंस गए और मैं बाहर गाड़ी में समझ रहा था कि ये निकल चुका होगा। ठीक है, तो बस ये हमारा काम था, बाकी हमें फाइव शाइट लेने की जरूरत नहीं है। चल 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 भाई, निकले यहां से। छोटा सा मिशन है, भी लंबा होने लगा था क्योंकि मैं अक्सर यहाँ पे फाइट नहीं लेता इन कमांडोज वगैरह से जो हमें एम्बुश करते हैं। जस्ट गाड़ी में बैठो और कोरियर ये बाइक पे भाग रहा होता है, हम बस पीछे से जाके उसे टक्कर मारते हैं और खेल ख़त्म। तो अभी मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, बट मुझे नहीं था पता कि कोरियर साहब कुछ लंबी छलांग लगा चुके हैं। ऑलराइट, तो डिलीवर करते हैं जी चिप्स। हो गया। ओके वेरी नाइस, और अगेन ही चलते हैं। नेक्स्ट काम क्या है जी मिस्टर हुआन कोर्टेज को? गार्डियन एंजल। ओके तो मेजर स्टोरी मिशन है ये। Tomas, I appreciate your coming. Forgive me for getting straight to business. Diaz has asked me to oversee a minor business transaction. Let's hope it goes better than last time. Which is why I thought of you, my friend. Right. I dropped some protection at the multi-story car park. Pick it up, then go and watch over Diaz's men at the drop-off. Gracias, amigo. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे angry midget runs this madhouse. Let's see what that creep has to do with things. अब हमने मिलना है जी डियाज से, वो जो एक बड़ा ही बड़ी बड़ी बातें करने वाला बंदा था कोर्टेज की पार्टी में।
और काफ़ी अहम कैरेक्टर है वो एक स्टोरी का। तो हमने उसकी डील को ओवरसी करना है, वो डील करने लगा है कुछ लोगों के साथ और उसे भी डर है कि उसकी डील पे कोई हमला ना हो जाए, तो प्रोटेक्शन के लिए हमें बुलाया जा रहा है। और ये है जी वो प्रोटेक्शन गन जो कि हुआन ने यहाँ रखवाई हुई थी हमारे लिए। Hogging all the action, I see. Look, you want to do something other than just shadowing me everywhere? Why don't you come along and show me if you're any use? I might just do that. The name's Lance, by the way. Tommy Vercetti. Let's go. Right. तो यहाँ से दोस्ती की शुरुआत होती है टॉमी और मिस्टर लेंस की। Well, दोस्ती तो नहीं कहा जा सकता but ताल्लुक की, क्योंकि इनके लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर दोस्ती इतनी है जल्दी और इतनी आराम से नहीं हुआ करती। तो बट बहरहाल, क्योंकि लेंस का भी एक कॉमन एजेंडा है, एक गोल है उन्हीं लोगों तक पहुंचना जिन्होंने टॉमी की डील को ख़राब किया था, तो मिलके काम करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, हम पहुंच चुके हैं डील की लोकेशन पर एंड हियर कम्स द डियाज। बोना एक नंबर का गोल मटोल। Cortez's new gun. Until more gainful opportunities arise, they'll be here any minute. We both better get a good vantage point. Okay, I'll take the balcony. Cutscenes में होंठ नहीं मूव करते इनके। मैं नीचे गिर गया। Okay, deal हो रही है start. मैं दोबारा ऊपर जाता हूँ, क्योंकि ये जगह थोड़ी मतलब अच्छी है। और वेयर इज माई गन? ओके, हियर इट इज। ओके, एवरीथिंग इज गुड, बातचीत चल रही है, बट आई थिंक टारगेट सारे। मजीद ओके, तो मैं नीचे जा रहा हूँ ताकि मैं एमओ शैमो भी इकट्ठा करता रहूँ और साथ में ये पैसे भी। टॉमी, लेंस। ओके, लेंस को बचा लिया गया है। पीछे से मजीद एनिमीज आ रहे हैं। ओके, नाइस, एवरीथिंग लुक्स फाइन। मज़ीद एनिमीज आ रहे हैं, मैं ये कलेक्ट कर लूँ जल्दी से। लेंस पे फिर हमला होगा। लेंस, नाइस। ओके, फाइनल फेज मिशन का। अगेन मनी चोरी हो रही है। ओह, नाइस शॉट, किसने मारी है? बैठ 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 बैठ, चलना भाई। और अब हमने बाइक पे चेज करते हुए सामने वाले जो बंदा है जो ब्रीफकेस लेके भाग रहा है पैसों का, उसे गिराना है, जो कि कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। डन। और ब्रीफकेस उठाएं एंड लेट्स गो। नाइस, तो डील पे वाकई हमला हुआ, बट अब क्योंकि टॉमी साहब प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो यू नो क्या हो सकता है। आई लिव, टेक हेड्स एंड इट्स ऑल डाउन टू यू। व्हाट इज योर नेम? टॉमी। आई सी यू सून अमीगो, आई थिंक। ठीक है, तो अब क्योंकि डियाज को हमारा काम अच्छा लगा है, तो अब डियाज हम चाहेगा कि भाई टॉमी उसके लिए काम करे, और टॉमी भी इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करेगा। वो डियाज के ऑपरेशन के अंदर घुसेगा ताकि मज़ीद इंफॉर्मेशन वो इस शहर के बारे में, इस शहर के काम करने के तरीके के बारे में, और इस शहर में मौजूद जो गैंग्स हैं उनके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हो सके वो इकट्ठी कर सके। क्योंकि जब आप बिज़नेस के अंदर घुसते हो तो फिर आपको मज़ीद आगे इंफॉर्मेशन वगैरह मिलती जाती हैं, और
बिजनेस करने के लिए इस तरह की नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल पहली डील ठीक है टॉमी की ख़राब हो गई, बट फाइनली उसका मेन टारगेट तो यही है ना कि बिजनेस जमाना है इस शहर में। ओके, तो देखा डियाज का फ़ोन आ चुका है और कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट हमारी बढ़ती जा रही है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जाएंगे डियाज के पास और देखेंगे कि भाई वो हमें क्या काम देता है और टॉमी को उससे क्या फ़ायदा हासिल होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।